What's up guys? आज हम देखने वाले सूर्य कुमार यादव के दम से चमका भारत का सूर्य, अमेरिका को हराकर सुपर एट में एंट्री। आज रौनक की वीडियो है, बहुआ के स्टाइल में करेंगे साथ में इंजॉय। भाई साहब कल का मैच सूर्य एंड शिवम दुबे, वेल डन। बॉलिंग तो अपनी वैसी धुआंधार हो रही है। 1-2-3 देख रहा है विनोद, सॉरी देख रहा है पाकिस्तान अमेरिका को कैसे हराया जाता है। आइए देखते हैं मजा आएगा। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। हालांकि ऐसे चौड़े में जीत का जश्न तो हमको भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त पर रवि शास्त्री साहब क्या हुआ था हमारे साथ, थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। जी हाँ भैया जी, अमेरिका में कुछ ज्यादा ही क्रिकेट प्रमोट नहीं हो गया। अरे भाई, इतनी क्रिकेट भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के साथ बधाई देने पहुंच जाए। पाकिस्तान वाले पिछले हफ्ते इसलिए परेशान थे क्योंकि अमेरिका ने उनको हरा दिया, और कल इसलिए परेशान थे कि कहीं अमेरिका भारत को ना हरा दे। इन लोग का ना हमेशा का यही रहता है, फलानी टीम जो है फलानी टीम से तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन भला हो मुंबई के सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का, जिन्होंने मुंबई के एनआरआई खिलाड़ियों हरमीत सिंह और सौरभ नेत्रावलकर के इरादे कामयाब नहीं होने दिए और थोड़े गिरते पड़ते सही सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर लिया। जाओ पाकिस्तान वालों, तुम भी क्या याद करो, समझ लो फादर्स डे से पहले फादर ने गिफ्ट दे दिया तुम्हें। एक काम करते हैं, शुरू से बताते हैं। भारत ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले गेंदबाजी कर लेते हैं। हर्षदीप सिंह ने जिस तरह का पहला ओवर फेंका, ऐसा लग रहा था कि आधे घंटे में अमेरिका का काम तमाम कर देंगे। पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरे। अमेरिका वालों को समझ में आ गया था कि भले ही इंडिया पाकिस्तान पड़ोसी है, लेकिन क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। पावर प्ले के अंदर मात्र 18 रन बने थे अमेरिका वालों के, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने कोरी एंडरसन के साथ मिलकर बढ़िया पार्टनरशिप करी। नीतीश कुमार को इस मुश्किल पिच पर बैटिंग करके देखकर लोगों को लगा कि काश ये प्लेयर अपने साइड होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार तो कभी भी साइड बदल लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। फिलहाल पहले 10 ओवर में एवरेज खेल दिखाने के बाद सेकंड हाफ में अमेरिका ने वापसी करी और न्यूयॉर्क स्टेडियम में 110 रन का चैलेंजिंग टोटल बना दिया। 111 रन का पीछा करने उतरी इंडियन टीम का सबसे बड़ा हथियार विराट कोहली, फुस पटाखा साबित हुआ। 3 मैचों में कोहली की दूसरी टक है, बाकी एक में उन्होंने 1 रन बनाया है। किंग लोगों का टाइम सही नहीं चल रहा है, न बाबर का न कोहली का। हालांकि बढ़िया टाइम चल रहा है सौरभ नेत्रवलकर का। मैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहूंगा कि भैया कुछ मामला करके देश के बाहर गया ये टैलेंट देश में वापस खींच के लाइए। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी मिल जाएगा और आईटी कंपनी वालों को कोड बनाने वाला भी मिल जाएगा। सही पकड़े हैं। जरा सोचो क्या दिन आया है कि जिंदगी में इस गेंदबाज की कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक ही मैच में आउट कर दिया। और सच बताऊं तो इसी के बाद थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। हालांकि टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अमेरिका वाले पाकिस्तान के बाद हमारे साथ कांड कर जाएंगे। लेकिन पिछले मैच में सौरभ नेत्रावलकर के लिए स्टोरी लगाने वाले दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दिखा दिया कि सूर्य कुछ देर के लिए बादलों के पीछे छुप तो सकता है, लेकिन जब शाइन मारेगा तो कोई झेल नहीं पाएगा। सूर्य भाऊ ने इतनी जबरदस्त फाइटिंग 50 मारी है, शिवम दुबे के साथ मिलकर एक हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप लगाई और बिना किसी रुकावट के टीम इंडिया सुपर एट में क्वालिफाई कर गया। हालांकि कनाडा से खेलने हम फ्लोरिडा भी जाएंगे, लेकिन वहां पर इतनी बारिश है कि लोगों के 10 दिन से कच्चे नहीं सूखे हैं, मैच तो क्या ही हो पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, सूर्य कुमार यादव की तारीफ से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, चैनल भी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी जाने से पहले डिस्क्रिप्शन सूर्य की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि कल एक अलग तरीके की पारी देखने को मिली जिसके लिए वो नॉर्मली जाने नहीं जाते। जाने जाता है सूर्य आतिशबाजी के लिए, लेकिन कल सूर्य ने बताया कि वक्त हालात को देखकर जज्बात बदलकर आपको एक अलग तरीके से खेलना पड़ता है। और वही चीज कल जिम्मेदारी वाली पारी शिवम दुबे से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत लोगों ने करती कि भाई अब कर देना, भाई ने करके दिखा दिया और कल का मैच इंडिया जीती, कंफर्टेबल जीती। शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई हमारी, ऋषभ पंत जैसे आउट हुआ तो उसने ये साबित कर दिया कि इन विकेटों को बोलो कि भैया या तो करा रहा हो तो ढंग की विकेट कर लो, ठीक है, ऐसे मजाक मत करो, क्योंकि इंजरी की चांसेस लग रहे थे, बॉल कहीं से भी उड़ जा रही थी। तो आप मान लो अब एक प्लेयर ने मूड बना लिया, पुल की बॉल आ रही मारेगा, वो पुल की बॉल रुक के आ रही है, वो भाई साहब मुंह पे चढ़ रही है, क्या करे आदमी, ऋषभ पंत है, वो बैकफुट पे खेलने गया, बॉल ही नहीं आई ऊपर, वो आउट हो गया। तो भाई वही चीज है कि वो डबल माइंड का बैट्समैन हो जाता है, तो उसके बाद उसके लिए ये रहता है कि यार गड़बड़ ना हो जाए, लग ना जाए बॉल, आउट ना हो जाओ। और वही चीज है, क्योंकि आप जब इतना इंटरनेशनल ग्रेड खेलते हो, इतनी बढ़िया पिचेस पर खेलते हो, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल में जो पिचेस होती है उनमें हम कहते हैं ये स्लो विकेट है वैसे, लेकिन इतनी ऐसी नहीं होती विकेट। आपने देखा होगा एक बार इंडिया श्रीलंका का मैच था फिरोजशाह कोटला में, जब अरुण जेटली स्टेडियम है वहां पर मैच रद्द कर दिया गया था, मैच खेलने से मना कर दिया गया, हम नहीं खेल रहे, इतना अनइवन बाउंस था। तो वही चीज हो जाती है कि थोड़ा सा ये विकेट थी, मतलब ज्यादा इसलिए हाईलाइट कराने के क्योंकि अमेरिका में हो रहा, अमेरिका ने कहा नो होलिंदो भाई होलिंदो। बाकी कल अच्छा था, ऋषभ पंत तो वैसे ही आपको पता ही, वो टच में लगी रहा बंदा, कैलकुलेटिव शॉट्स खेलता ही है, लेकिन हर जहां आपको लगता नहीं अब आराम से खेल रहे ऋषभ पंत वो आपको चौंका देगा। मिलते हैं आपसे कभी, एक साथ अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट की तारीफ करने की जरूरत नहीं, अभी बढ़िया चल रही है तो उसको नजर ना लगाई जाए। बाय, टेक केयर।